विधायकों की संख्या ज्यादा है, विधान पार्षदों की संख्या ज्यादा है, तो फिर उनके पास आदमी कहाँ से आया? वो भाड़ा पर ला रहे होंगे तो भाड़ों पर आदमी अब नहीं आएगा। वो जान रहा है कि महंगाई करने वाला यही लोग है, बेरोजगारी फैलाने वाला यही लोग है, आतंक फैलाने वाले लोग यही है, और ये जुमला बोलने वाले यही लोग हैं जो अपने वादे को हमेशा कहते कि तो जुमला था, इसलिए इनके फेरे में न जनता है न कुछ। मोदी के जो मीडिया है वो दिखाते हैं, कहीं कोई संख्या नहीं है। संख्या रहता जो आज सरकार ने बनाए रहते, लाइव सिटी उससे ज्यादा मेरे पास शक्ति है, मेरे पास जन समूह है, मेरे पास माननीय विधायकों की संख्या ज्यादा है, विधान पार्षदों की संख्या ज्यादा है, तो फिर उनके पास आदमी कहाँ से आया? वो भाड़ा पर ला रहे होंगे तो भाड़ों पर आदमी अब नहीं आएगा। वो जान रहा है कि महंगाई करने वाला यही लोग है, बेरोजगारी फैलाने वाला यही लोग है, आतंक फैलाने वाले लोग यही है, और ये जुमला बोलने वाले यही लोग हैं जो अपने वादे को हमेशा कहते कि तो जुमला था, इसलिए इनके फेरे में न जनता है न आम आवाम है। बीजेपी कह रही है, अरे उनके पास कोई मुद्दा रहे तब ना कोई बात बोले। जितना भी है सब बड़का झूठा पार्टी के लोग हैं और देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। जो लोग बना कर गया है पहले का पूर्ववर्ती सरकार, उसको ये बेच रहे हैं और कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। केवल विदेश दौरा करने से देश का कल्याण होगा? बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना है, देश में महंगाई पर काबू नहीं पाना है, किसानों के खेतों में पानी नहीं देना है, न किसानों की उपज का सही दाम देना है, तो ये बीजेपी वाले यानी बड़का झूठा पार्टी के लोग को लोग समझ गया है कि ये जुमलेबाज है और जुमलेबाजों की सजा जनता देने को तैयार है। बीजेपी को विधानसभा तक पहुंचने देंगे? बीजेपी को विधानसभा तक पहुंचने देंगे मार्च को? अब सवाल है कि जो नियम है वो सरकार जानती है, प्रशासन जानता है कि कहां तक जुलूस को आना है और कहां तक नहीं आना है। ये पूर्ववर्ती सरकार, आज की सरकार, पहले भी जो सरकार थी वो तय करती है कहां तक जुलूस जाना है। इसमें अगर कोई भी इधर उधर करता है तो पुलिस का जो कार्रवाई है वो होगा।